अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके डिमांड के ऊपर मैंने आज इस बारे में वीडियो बनाने का सोच ही लिया, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा था कि यार जापान की न्यूज़ जो है वो लीक नहीं होती, लीक होती भी है तो असल में क्या है जापान में चल रहा वो बताओ ना, कि कोरोना वायरस के बाद जापान में क्या पड़ा फ़र्क। तो रही बात पेशेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान और जापान के तकरीबन बराबर है। रही बात शॉपिंग मॉल और ग्रोसरी स्टोर और मतलब पूरी मार्केट की, तो यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है। शॉर्टेज है तो कुछ टॉयलेट पेपर, टिश्यू, वेट टिश्यू और लिक्विड वगैरह, हैंड वॉश के और मास्क की, सबसे बड़ी ज़्यादा ना ये सब चीज़ें मार्केट में आपको नहीं मिलेंगी। जहाँ पे मिल भी रही हैं तो एक फैमिली एक ही लेके जा सकती है ना, सिर्फ एक, ये फ़र्क पड़ा हुआ है। और दूसरी बात, काम के लिहाज से अगर करा जाऊँ तो कारोबार जिनका एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ है उन लोगों का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो लोकल में जो लोकल की मार्केट है वो तो यहाँ पे जब सब कुछ खुला हुआ तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का डर हो गया, उसके बारे में ये कहूँ कि डरे हुए हैं, बस इस हिसाब से डरे हुए हैं कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। एक होका है कि चीज़ें वक्त से पहले ज़्यादा ख़रीद लें, ये नहीं सोच रहे कि किसी और के लिए छोड़ दें, जो हर किसी कौम के अंदर होता है। मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ इनमें, लेकिन शायद इनमें ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये कहूँगा कि भाई लॉकडाउन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना। आज की डेट में इन्होंने कुछ सूबों में कहा है कि वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाएगी, वो भी किस हद तक है, कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, खुला हुआ सब कुछ ही होगा, कोई चीज़ बंद नहीं होगी ना। तो भाई ना तो गवर्नमेंट से हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है इसके मामले में, तो पाकिस्तान ही अच्छा रहा, मैं तो ये कहूँगा ना, कि वहाँ चलो कुछ फैसिलिटीज़ तो मिल रही हैं, कुछ एक गवर्नमेंट कुछ एक्शन तो ले रही है, अपनी आवाम के बारे में सोच रही है। यहाँ तो बोलिए बस आने दो, आने दो और आने दो। तो मैं ये भी कहूँगा कि भाई इनसे ना हो पाएगा, इनके तो बस का है ही नहीं ना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बाहर लेके भी चलता हूँ आपको, थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, थोड़ी सी मार्केट दिखाता हूँ, उसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जो शॉर्टेज हैं उनको कोशिश करता हूँ दिखाऊँ, क्या क्या चीज़ किस तरीके से मिल रही है। इतनी ज़्यादा आप तो नहीं होगी, बस ये होगा कि हर जगह पर लिखा होगा कि भाई अंदर आने से पहले मास्क लगा के आए, लेकिन नहीं लगा के जाते भी हो तो मारेगा कोई नहीं ना, पकड़ेगा कोई नहीं, आपको वो कहेंगे कि कोशिश करें मास्क लगा के लेके आए। अरे तो बिक कहाँ रहा है ये तो बता दो जालमो, वो नहीं पता कि कहाँ बिक रहा है, सही है। उसके अलावा अगर आप अगर टॉयलेट पेपर, टिश्यू या वेट टिश्यू वगैरह लेने के लिए जाते हैं या सैनिटाइजर लेने के लिए जाते हैं, तो एक फैमिली के लिए एक अलाउ लेना, कि आप एक लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ये चल के मैं आपको दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अभी मेरे पीछे आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, बिल्कुल मैं अपने घर के बाहर मेन रोड पे ही बैठा हूँ, और मार्केटें वगैरह खुली हुई हैं, कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, कोई बंद नहीं है। और जो हम एक्सपोर्टर हैं, हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये बंद हो जाए, जान छूटे, कुछ हमें दे गवर्नमेंट, हमारा काम तो तकरीबन बंद ही हो चुका है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज ने लॉकडाउन कर लिया, यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा काम कैसे चलेगा ना। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई हो जाए, कुछ तो मिले, लेकिन ये ना मानने के भाई इनसे ना होगा। तो भाई ये थी यहाँ की अपडेट, जो लोग जानना चाह रहे थे कि भाई जापान में कोरोना वायरस के हिसाब से बताओ क्या है। मैंने वो वाली बातें नहीं करनी आप लोगों से, कोरोना वायरस पर्सनल लैब में बनाया गया या अमेरिका ने फैलाया या ऐसे बनाया या वैसे बनाया या किसी जानवर के खाने से बना, वो बातें तो आप सुन चुके होगे और सुन सुन के थक भी चुके होगे। मेरा मकसद आपको यहाँ का बताना है कि जापान में इससे क्या हुआ, क्या एक्शन लिया, तो वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की ना। तो मैं फालतू बातें तो नहीं कर रहा, वो यहाँ के हिसाब से कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो आप सुन सुन के थक गए हो गए, सोशल मीडिया हो गया, टिकटॉक हो गया या टीवी न्यूज़ चैनल हो गए, इन सब पे सिवाय इस बात के कोई और बात हो ही नहीं दी है ना, कि कोरोना वायरस COVID-19, बस इसके अलावा मैं खुद भी यहाँ थक गया हूँ, करने कराने का कुछ बचा नहीं है, सही है। मार्केट वैल्यू इतनी डाउन हो गई है और यहाँ की लोकल मार्केट जो है वो बिल्कुल वही है, तो प्राइस जो है वो मैच नहीं कर रहे, हमारा काम बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, लेके खड़ी करने के बाद जगह फुल हो गई है। तो ये खैर बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा सा दिखाता भी हूँ हमेशा की तरह, मज़ा आएगा, चलें। ये मैं 7-Eleven के पास ही खड़ा हुआ था, ये अपना रोड है, गाड़ियों के ट्रैफिक में कोई कमी नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। चले आगे चलते हैं।
जनाब ये था सब कुछ। लोग तो बराबर आपको नज़र आ रहे होंगे, चीज़ें भी बराबर नज़र आ रही हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों पे ये लिखा हुआ है कि एक पैकेट एक वक्त में आप ले सकते हैं। ले जनाब हमें मास्क मिल गया। तो जनाब ये चीज़ें थी आप लोगों को जो दिखाने की थी, दिखाने का कुछ ज़्यादा था नहीं, बस मकसद था आपको बताने का कि कोरोना वायरस से कोई इतना ज़्यादा मार्केट पे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ बिजनेसमैन को फ़र्क पड़ा है, एक्सपोर्टर को फ़र्क पड़ा है और कोई चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ा। लोग जो डरे हुए हैं वो इस हद तक डरे हुए हैं कि सब चीज़ें मिलती तो रहेंगी ना, ये तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, वो तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, वो डर डर के भी उनका डर वो भी ख़त्म हो गया है ना। अब देखो आगे होता है क्या ना, ये तो लॉकडाउन करने वाले हैं नहीं इस मार्केट को ना, तो बस हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मेरे दोस्त जो हैं वो यूके से और जो यूरोप के अलग अलग ममालिक से पूछना चाह रहे थे या पाकिस्तान से कि भाई वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का बताओ ना। तो बताने का सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म होंगी और दोबारा से मार्केट पहले जैसी हो जाएगी। आप सब भी दुआएं कीजिए, हम भी करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।